दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीलेश चौरसिया, घर पे सर्विस इंटीरियर में आप सभी का स्वागत है। इज़ ऑल्सो नॉन एज बिल्डिंग और स्पेस इंटीरियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीवी यूनिट की। तो यहाँ पर हम लोगों ने टीवी यूनिट जो है 9x7 का टीवी यूनिट बनाया हुआ है, और ये टीवी यूनिट में हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ 4 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं और नीचे की तरफ सेटअप बॉक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर एक लार्ज टीवी यूनिट 65 इंच का हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट को करने के लिए हम लोगों को 3 मंथ लगा और 1 वीक हम लोगों को एक्स्ट्रा गया काम करने के लिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम लोगों को अलग अलग स्पेसिफिक यूनिट बनाने थे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 12 यूनिट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग दिया हुआ है, और इसके ऊपर एक मार्बल का पीस हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है। 12 यूनिट में हम लोगों ने यहाँ पे नीचे की तरफ डेक भी बनाया हुआ है, जैसे कि आप कभी बार और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा आपको फील आता है, और प्रॉपर हम लोगों ने यहाँ पे चेयर्स वगैरह भी दिए हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं टेंपल यूनिट। तो टेंपल यूनिट में क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि जो भी हम मूर्ति वहाँ पर रखने वाले हैं वो हमें एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में सामने दिखनी चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने होल ग्लास यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अंदर भी हम लोगों ने ड्रॉवर्स यूज़ किए हुए हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप्स दिए हुए हैं, और ऊपर हम लोगों ने फॉल सीलिंग किया हुआ है। तो अभी स्टार्ट करते हैं किचन एरिया। किचन एरिया में हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में बीकर बास्केट दिया है। बीकर बास्केट में आप यहाँ पर आलू, प्याज और बाकी के सामान रख सकते हो। देन फिर हम लोगों ने यहाँ पे कटलरी, कप, सॉसर एंड थाली यहाँ पे दिया हुआ है, और सेंटर में मसाला पुलाव दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे काउंटर पे काम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग दिया है। पहले जो किचन है ये लगभग यहाँ तक था और इनका यहाँ पे ड्राई बालकनी था, तो इस किचन को हम लोगों ने एक्सटेंड किया है लास्ट तक, तो इससे किचन अभी थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो गया है। और ये विंडो को भी हम लोगों ने पीछे प्लेस किया हुआ है, तो इनको ये वाली भी जगह अभी एक्स्ट्रा मिल गई है। यहाँ पे हम लोगों ने क्वार्ट सिंक प्लेस किया हुआ है, जो कि नॉर्मल समटाइम्स SS का रहता है जो बिल्डर प्रोवाइड करता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्वार्ट्स का सिंक दिया हुआ है। फिर अभी माइक्रोवेव रखने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक टॉल यूनिट टाइप बनाया हुआ है, इसमें माइक्रोवेव रखा हुआ है, और यहाँ पे आपका मिक्सर वगैरह बाकी का सामान आप यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। गर्ल्स बेडरूम दिखाते हैं, जो कि हम लोगों ने अच्छे से थोड़ा लाइट पिंक कलर में और वुडन कलर का मिक्स करके हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हमने बंक बेड यूज़ किया हुआ है, बट बंक बेड में एक रिक्वायरमेंट हमारा ऐसा था कि
अगर कोई गेस्ट भी आता है तो गेस्ट भी यहाँ पर आराम से सो सके, तो इसलिए हम लोगों ने 5 बाय 6.5 का यहाँ पे बेड यूज़ किया हुआ है। और डॉटर के लिए हम लोगों ने अलग से यहाँ पे स्टेयर्स देके वहाँ पर उनके लिए प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है। और जो ये ड्रॉवर्स हैं, ये स्टेयर्स को भी हमने एज अ ड्रॉवर दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप कुछ सामान वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टडी यूनिट बनाया हुआ है गर्ल्स के लिए, और ये कीबोर्ड, एक कीबोर्ड दिया हुआ है और दो ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है, और ये एक स्पेस दिया हुआ है जहाँ पर आप टेडी बियर्स एंड ऑल प्लेस कर सकते हैं। एक्चुअली काफ़ी छोटा रूम था, तो उसको हम लोगों ने स्पेस सेविंग के हिसाब से जो बेड है वो हम लोगों ने 5 बाय 6.5 का ही बनाया हुआ है, एंड यहाँ पर हम लोगों ने वार्डरोब को प्लेस किया हुआ है। और मास्टर बेडरूम में हम लोगों ने यहाँ पर 6 बाय 6.5 का बेड यूज़ किया हुआ है, किंग साइज़ का बेड है, और यहाँ पर हम लोगों ने चारकोल शीट यूज़ की हुई है, तो यू कैन सी द फिनिश ऑफ चारकोल शीट। और यहाँ पर हम लोगों ने एलईडी स्ट्रिप लाइट भी प्लेस की हुई है, और यहाँ पर हम लोगों ने लेदर का हेड कुशियन लगाया हुआ है, और दोनों तरफ हम लोगों ने साइड टेबल दिया हुआ है, वो साइड टेबल के ऊपर हम लोगों ने 6 6 मॉडल के 2 स्विच सॉकेट भी क्लाइंट को दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 डोर का ड्रेसिंग दिया हुआ है, तो इसमें 3 मिरर लगाए हुए हैं, तो 3 मिरर में आपको यहाँ पर अगर आप खड़े होते हैं तो आपको तीनों एंगल दिख जाते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने स्टोरेज भी दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पर इन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें प्लेस की हुई हैं, और बाकी का जो है यहाँ पे आप पाउडर वगैरह जो भी है बाकी का सामान रख सकते हो। और लास्ट में हम लोगों ने एक सिटिंग गद्दी दिया हुआ है। तो ये मास्टर बेडरूम में यहाँ पर स्पेस काफ़ी कम था, तो उसके हिसाब से वार्डरोब को प्लेस करना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर टीवी यूनिट भी देना था, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि वार्डरोब कम टीवी यूनिट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये जो अंदर वाला एरिया आप देख रहे हो ब्लैक कलर में, ये टीवी यूनिट के लिए डेडिकेटेड है, और बाकी पूरा एरिया जो है वो वार्डरोब के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो आपका स्टोरेज भी इसमें कंप्लीट हो जाता है और टीवी यूनिट भी आ जाता है। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं बॉयज़ बेडरूम। तो बॉयज़ बेडरूम में यहाँ पर हम लोगों ने अभी बंक बेड यूज़ किया हुआ है, तो एक बेड के ऊपर अभी दूसरा बेड प्लेस किया हुआ है, और जो कि बेड है वो 6 बाय 3 के 2 बेड्स हैं, और जो अपन ने गर्ल्स बेडरूम में देखा था उसमें 5 बाय 6.5 का बेड बड़ा साइज़ का यूज़ किया हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में स्टेयर्स दिए हुए हैं बेड पे जाने के लिए, और स्टेयर्स के नीचे हम लोगों ने स्टोरेज दिया हुआ है एज अ ड्रॉवर, यू कैन सी दिस। और यहाँ पर भी हम लोगों ने नीचे की तरफ ये एक स्टोरेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे स्पेस खाली था तो हम लोगों ने यहाँ पे एक वार्डरोब को प्लेस किया हुआ है। और
और एक सामने साइड में भी वार्डरोब दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने ड्रेसिंग दिया हुआ है, ड्रेसिंग के अंदर स्टोरेज, एंड इसके पास में हम लोगों ने स्टडी यूनिट दिया हुआ है और यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग दिया हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें, टॉयज वगैरह उन्होंने प्लेस किए हुए हैं। प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करने के लिए हमें एक अच्छी अमेजिंग टीम की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी आर हैविंग अ वेरी गुड टीम। हम लोग हमेशा क्लाइंट को अपडेट करके रखते हैं, कंटेंजेंसी विंडो देते हैं कि क्लाइंट को ऑलरेडी हम लोग बता के रखते हैं कि आपका इतना इतना बजट रहेगा और इसमें आपको लाइक 50-60 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा जा सकता है अगर थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करते हैं तो। बट क्लाइंट ने हम लोगों को ऑलरेडी बोल रखा था कि आप ट्राई करना, जो भी हमारा बजट है वो बजट में हमको करके दो। तो हम लोगों ने फिर अपने तरफ से पूरा ट्राई किया और मोस्टली हमारे सारे प्रोजेक्ट बजट कंस्ट्रेंट, हम लोग एक बार जो फिक्स बजट डिसाइडेड कर देते हैं तो वो बजट में ही हम लोग फिर ट्राई करते हैं कि काम कम्प्लीट हो। तो दोस्तों, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मेरे क्लाइंट मिस्टर तन्मय सर। थैंक यू विलेशी। सो एक्चुअली लास्ट ईयर लाइक व्हेन वी bought this house, we were really looking into interiors ka, we were pretty excited about it, and then we searched for various branded firms as well, and then we had a brief discussions with them, but then we were thinking that we want someone from a local who can understand our specifications, our requirements in a better manner rather than having just something ready to fix and deliver. So then that's how we through Google search we got to know that Nilesh is having good reviews and ratings. So we met him, and in the first meeting itself we understood that he's quite a knowledgeable person and he understands his work, and that's how we started with him. And for the entire 3 BHK specific requirements regarding temple unit, the bar unit, bunk bed for kids, and so on, so this goes on and on, and he did a really amazing job. His team is very skilled, starting from carpenter, electrician, whoever worked on this flat, those all were really amazing people, and we were in constant touch. He used to deliver, he used to come down to the flats for site visit very regularly, and we did to make some changes during the course of the work as well. So his designing, his implementation, his delivery, everything was up to the mark, and we are really happy. So towards the end I would like to thank you again. Thank you sir. Thank you. The other part that I would like to highlight is the first and most important part, which is usually budget, because when we already purchase a flat, then there are some constraints regarding the interior. So we had a strict budget in our mind, which we communicated to Mr. Nilesh at the beginning itself, and the best part was he stick to it. So otherwise there are many interior service providers who are like, in the initially they will commit that they can stick to that figure, but then obviously it goes 30-40% beyond it, and then in the middle of the work being carried out, it is really difficult to manage or to halt the work. But in Mr. Nilesh's case, it was perfect. He kept it to the budget limit. Also, the other constraint that we had was delivery period. So we wanted to get this flat ready within 3 months because we had to shift and start living here. So that was again the best part, that he made his commitment and he delivered in time. And lastly, the after sales service, which is usually a very important thing these days. So even till date, whenever we call him or we just message him, he is very quick to respond, and accordingly he always carries out with whatever queries we have. And after the delivery of the flat, in the first week also we asked him for some of the specific requirements, and he delivered those. So again, thank you.